वो रिसॉर्ट जिसका सुशांत सिंह राजपूत मामले में बार बार नाम आया है, जहां पर कहा गया है कि रिया और सुशांत बहुत लंबे टाइम के लिए रुकते थे, वहीं पर इनकी पार्टीज होती थी और श्रुति और जया ने कई बार उसी रिसॉर्ट पर ड्रग्स भी पहुंचाए हैं। अब एनसीबी ने उस रिसॉर्ट पर छापेमारी की है और इस छापेमारी में एनसीबी को बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हासिल हुई है। आपको बता दें कि अंधेरी में मरोल में एक वाटरस्टोन रिसॉर्ट करके जगह है जहां पर सुशांत सिंह राजपूत अक्सर जाया करते थे। वहां पर वो लॉन टेनिस, स्विमिंग ये सब किया करते थे। और जब सुशांत ने केपरी हाइट्स उनका जो घर था वो छोड़ा था, तब कुछ समय के लिए वो वाटरस्टोन रिसॉर्ट में ही रहे थे। इनफैक्ट सुशांत और रिया के जब बैंक डिटेल्स देखे गए तो उसमें वाटरस्टोन रिसॉर्ट के काफी बड़े बड़े बिल्स नजर भी आए थे। अब एनसीबी की टीम ने वाटरस्टोन रिसॉर्ट में छापेमारी की है। ड्रग्स के लिए थी ये छापेमारी, इसके अलावा ये छापेमारी थी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए कि जिस वक्त सुशांत सिंह राजपूत वहां पर आते थे तब उनके साथ वहां कौन कौन लोग आते थे और वहां पर क्या होता था। और इसी इन्वेस्टिगेशन में एनसीबी की टीम को एक बहुत ही अहम जानकारी मिली है कि वाटरस्टोन रिसॉर्ट में जब भी सुशांत रुकते थे तब उनसे एक बहुत बड़े फिल्म मेकर अक्सर मिलने आया करते थे। इस फिल्म मेकर का नाम अभी एनसीबी की टीम ने डिस्क्लोज नहीं किया है, लेकिन हाँ ये बात साफ है कि जब भी सुशांत वहां पर आते थे तो ये फिल्म मेकर उनसे मिलने के लिए इस वाटरस्टोन रिसॉर्ट में ही आया करता था। एनसीबी की टीम ने नवंबर 2019 से लेकर जून 2020 तक की सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है वाटरस्टोन रिसॉर्ट से, और इस फिल्म मेकर के अलावा और कौन कौन लोग वहां पर सुशांत से मिलने आते थे इसकी इंफॉर्मेशन भी इकट्ठी की है। ये वही रिसॉर्ट है जहां पर अकॉर्डिंग टू रिया जब सुशांत की यूरोप में तबियत बिगड़ी तो वो अपना हॉलीडे बीच में ही छोड़कर आ गए थे, तो इसी रिसॉर्ट में ठहरे थे। इसके अलावा ये वही रिसॉर्ट है जहां पर 25, 26, 27 नवंबर की बात हुई थी जब सुशांत और उनकी बहनें वहां पर थे और सुशांत अपनी बहनों के साथ चंडीगढ़ जाने वाले थे, लेकिन एंड में ऐसी कुछ बात हुई कि सुशांत चंडीगढ़ नहीं गए, वो यहीं रुक गए और उनकी तीनों बहनें वहां से चली गई थी। तो वाटरस्टोन रिसॉर्ट में भी काफी सारी स्टोरीज छिपी हुई हैं और इसी की जानकारी के लिए एनसीबी की टीम ने वहां पर छापेमारी की जहां से एक बड़े फिल्म मेकर का नाम सामने आया है। वैसे आपको बता दें कि बहुत समय निकल चुका है, इतने समय निकलने से काफी कुछ चीजें छिपाई जा सकती है, डिस्ट्रॉय की जा सकती है और बदल दी जा सकती है। ऐसे में अब जो जानकारी हासिल हुई है वो कितनी पुख्ता है या क्या पूरी जानकारी है ये नहीं कहा जा सकता।